नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज़। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, कवि, लेखक स्वर्गीय इंद्रदेव बारिशपुरी की श्रद्धांजलि सभा सोमवार को बारिशपुर भगवानपुर जिला वैशाली में आयोजित की गई, जिसमें ढेर सारे वक्ताओं ने अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित किए। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनका श्राद्ध कार्यक्रम सनातन विधि से बहुत ही अच्छी तरीका से किया गया, जिनमें उनकी बेटियों की भूमिका प्रमुख रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवानपुर का यह परिवार काफ़ी शिक्षित, पढ़ा लिखा माना गया है। आज बच्चियां देश ही नहीं विदेश में भी अपने पापा का नाम रोशन कर रही है। इस अवसर पर अपने अपने तरीके से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कवि अनिल कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, किरण बारिशपुरी, सुप्रिया, अंकिता, अपराजिता, आदित्य, अदिति, डॉक्टर रंजना, पूनम कुमारी, डॉक्टर दीप नारायण, डीपीओ आनंद कुमार, शुभम राज, राजेंद्र जी आदि प्रमुख रहे, जबकि श्रद्धांजलि सभा का संचालन डॉक्टर मनोज ने किया। जब ये सात गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारे गर्व ही दैवी गुणों वाले हो जाते हैं। धीरे धीरे जो गुण सातों हैं वो हमारे में हो जाते हैं, तो हम मंदिर में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें ज्ञान दो, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? ज्ञान तो आज मनुष्य के पास बहुत है, लेकिन कौन से ज्ञान नहीं है जो आज मनुष्य को चाहिए? तो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, इस सात गुणों की प्राप्ति होती है। आज हम चारों ओर देखते हैं, बढ़ते हुए दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, ना जाने क्या क्या कुरीतियां देखने को मिल रहा है। इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? स्वयं को परिवर्तन से, कहा जाता है स्व परिवर्तन से। समाज सेवा में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही, और इनके सेवा को देखते हुए, समाज के प्रति इनके समर्पण को देखते हुए इस पंचायत के लोगों ने इनके श्रीमती जी को, जो खुद एक शिक्षित परिवार से आती हैं, जिनका परिवार पहले से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ रहा है, उनको इस पंचायत के लोगों ने मुखिया पद पर, मुखिया पद की जिम्मेदारी देने का काम किया, और 5 साल के कार्यकाल में एक जनप्रतिनिधि मुखिया के साथ कितनी समस्याएं होती हैं, इसके बावजूद भी सभी सुहृद जन हम जिस शख्सियत को आज इस श्रद्धांजलि सभा में याद करने बैठे हैं, मैं अपनी ओर से उन्हें सत सत नमन करता हूं, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी शख्सियत को जन्नत नसीब करे। मैं बहुत अभागा ठहरा, ऐसी शख्सियत जिनसे जीवन काल में हमारा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। को जब बताए तो वह एकदम से अस्तब्ध रह गए, इधर कुछ दिनों से संपर्क नहीं था,
लेकिन जब तक आप दोनों स्वस्थ थे एक दूसरे से मिलते रहते थे, बाबूजी से जानकारी मिली, बच्चों को हमेशा मिलता रहे इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, मैं पुनः एक बार आपके श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार के सभी श्रेष्ठ जनों से निवेदन करता हूँ इस स्मृति को कम से कम साल में एक बार जगा कर रखने की आवश्यकता है और हम लोगों को भी याद रखेंगे, हम लोगों को भी जरूर वक्त बेवक्त खोजेंगे, चाचा की जो यादें हैं उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा सामूहिक रूप से। हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि कैसे इनके काम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, उसमें एज ए गार्जियन रामनाथ विद्रोही जी हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, जब भी कुछ हम लोगों के द्वारा किया जाएगा आप लोग भी सादर आमंत्रित होंगे। बस इनके जीवनी को आगे बढ़ा कर रखना है, वह जलता रहे दिया जिस समाज के लिए इन्होंने किया है, वह बुते नहीं बुझे नहीं वह बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बच्चों को हमेशा मिलता रहे इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः एक बार आपके श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार के सभी श्रेष्ठ जनों से निवेदन करता हूँ इस स्मृति को कम से कम साल में एक बार जगा कर रखने की आवश्यकता है और हम लोगों को भी याद रखेंगे, हम लोगों को भी जरूर वक्त बेवक्त खोजेंगे, चाचा की जो यादें हैं उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा सामूहिक रूप से। हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि कैसे इनके काम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, उसमें एज ए गार्जियन रामनाथ विद्रोही जी हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, जब भी कुछ हम लोगों के द्वारा किया जाएगा आप लोग भी सादर आमंत्रित होंगे। बस इनके जीवनी को आगे बढ़ा कर रखना है, वह जलता रहे दिया जिस समाज के लिए इन्होंने किया है, वह बुते नहीं बुझे नहीं वह बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अपराजिता है, मेरा नाम मेरे पापा ही रखे थे बहुत ही खुशी से। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा को बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था, किसी न किसी बहाने उन्हें सेलिब्रेशन, ये जो भीड़ यहाँ लगी है अगर पापा यहाँ होते तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड खुश वही रहते, क्योंकि उनके वजह से यहाँ हमेशा भीड़ लगी ही रहती थी। तो हम उनका बर्थडे कभी मनाना बंद नहीं करेंगे, हर वर्ष 12 अगस्त को हम उनका बर्थडे ज़रूर मनाएंगे। उसके अलावा मैं अपनी फैमिली से ये कहना चाहती हूँ और खुद को भी हमेशा यही याद दिलाना चाहती हूँ कि पापा हमेशा हम लोग हम बच्चियों को हम बेटियों को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे, जिस तरह से वो हमें देखना पसंद करते थे कि हम कॉन्फिडेंट रहें, वो हमारे स्किल्स को देख के भी बहुत खुश होते थे, उन्हें बहुत गर्व महसूस होती थी, भले ही वो हमें डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि उन्हें कितना अच्छा लगता है जब हम पढ़ाई में अच्छा करते हैं, जब मुझे नौकरी लगी, जब मेरी शादी हुई, लेकिन मेरी विदाई के पहले उन्होंने यही कहा था कि जब बेटी होती है तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बेटी अपना भाग्य खुद लिख कर आती है। तो मेरी विदाई के समय वो यह कहकर मुझे ये समझाना चाह रहे थे
कि हम जो बेटियां हैं उनको लेकर वो कभी चिंतित नहीं रहे, उन्हें हम पर पूरा भरोसा था और इस भरोसे पर हम खड़े भी उतरे हैं। मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो बिल्कुल बेटे के तरह पूरे घर को संभाले हुए हैं। हम सब बहनें जो भी हैं पापा के ही सपनों को पूरा कर रही हैं। हम कभी भी एक कदम भी नहीं रुकेंगे। पापा का नाम अभी जो भी है उसे आगे और भी रोशन करेंगे। पापा के जो भी सपने थे वो अभी और भी पूरी होंगी और भी उनका नाम और भी हम लोग आगे पूरे देश पूरे नेशंस में ज़रूर फैलाएंगे। थैंक यू दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा ने हमेशा सही रास्ते पे हम लोग को हमेशा प्रोत्साहित किया कि हम लोग सब लोग सही रास्ते पे चले, कभी किसी से झूठ नहीं बोले। और मैं बस अब यहीं अपनी कथा समाप्त करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और